आओ ना मीना, मेरे पास बैठो। शायद मुझे भी कोई किताब खरीद के देते तो मैं भी पढ़ सकती थी। मुझे भी पढ़ने की इच्छा होती है। मीना, तू यहाँ क्या कर रही है? किचन में बहुत सारा बर्तन पड़ा हुआ है, जा जाके बर्तन धो जा। मम्मी, मुझे भी पढ़ाई करना है। बड़ी आई पढ़ाई करने वाली, जा बर्तन धो जा, माँ का ठिकाना नहीं। रिया बेटी, तुम अच्छे से पढ़ाई करो बेटी, पढ़ाई लिखाई करके तुम्हें अच्छा इंसान बनना है। मीना, मैं तुम्हें हेल्प करना चाहती हूँ। नहीं नहीं, तुम अंदर जाओ, अगर मम्मी देखेगी तो बहुत डांटेगी। तुम अंदर जाके आराम करो। मीना, तूने इसे बर्तन धोने के लिए कह रही है? नहीं नहीं मम्मी। चुप रह, तू कैसी लड़की ये मुझे अच्छी तरह से पता है। तू बोल भी क्या सकती है? मैं तो इसे ज्यादा बात मत कर। अरे, ये लड़की मेरा सब बर्तन तोड़ देगी, तू चुपचाप बर्तन धो ले। रिया बेटी, ये सब तेरा काम नहीं है बेटी, तू अंदर चल, अंदर जाके आराम कर बेटी। अरे मीना, तूने ऊपर बैठकर काफी समझ रही है, नीचे बैठ। और ये क्या, ठीक से काम कर, नहीं तो आज तुझे खाना नहीं मिलेगी। क्या रे, तुझे भी एप्पल खाना है? ले एप्पल खा। तू क्या समझ रही है, ये एप्पल तेरे लिए है, ले एप्पल खा। भगवान, सभी बच्चों के अपने माँ होती है, मेरी माँ क्यों नहीं है? आपने क्यों मेरी माँ को अपने पास बुला लिया? मुझे यहाँ रहना अच्छा नहीं लगती। भगवान, मुझे भी अपने माँ के पास पहुँचा दो। अरे, तू एक बच्चों के साथ ऐसे बर्ताव करती है, तू ना एक माँ है? मुझे तो संदेह है, तू माँ है कि डायन है? और ये क्या, ठीक से काम कर, नहीं तो आज तुझे खाना नहीं मिलेगी। ले
एप्पल खा। तू तो माँ नाम की कलंक है, तुझे तो कोई बेटी ही नहीं मिलने चाहिए थी। नहीं नहीं ऐसे मत बोलो, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए थी। मीरिया के जैसा मीना भी मेरी एक बेटी है। आज से मैं दोनों को ही अच्छे से देखभाल करूंगी। मैं सब कुछ समझ गई, मेरी ही भूल थी। आज से मैं एक अच्छे माँ की फर्ज निभाऊंगी। मीना बेटी उठ बेटी। मुझे माफ कर दे बेटी, रिया की जैसा तू भी तो मेरी एक बेटी है। मैं अपनी भूल समझ गई हूँ। आज से मैं तुम दोनों के ही अच्छे से देखभाल करूंगी, एक अच्छी माँ की फर्ज निभाऊंगी। ऐसे मत बोलो माँ, तुम तो मेरी एक अच्छी माँ हो। मेरी प्यारी बेटी चल आज से तू हमारे साथ सोएगी, चल अंदर चल। आज से सब काम मैं करूंगी ठीक है, और तू पढ़ाई करके अच्छी इंसान बनेगी ठीक है बेटी, चल।